दोस्तों बिग बॉस तो आप जरूर देख रहे होंगे, हमें दिखाई पड़ता है बिग बॉस का फ्रंटेड यानी बिग बॉस हाउस। लेकिन बिग बॉस हाउस रन करने के लिए सिर्फ वो 10 या 15 लोग ही नहीं रहता है जो कॉन्टेस्टेंट है, उनके पीछे रहता है बहुत सारे लोग और उनका काम करने के जगह। तो बिग बॉस का बैक हाउस कैसा है दिखने में, वहाँ पर क्या और कैसे होता है, दोस्तों मैं आज आपको सब बताने वाला हूँ रहस्य लाइव में, जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बिग बॉस चलाने के लिए बहुत तकनीक और साथ में बहुत मेन पावर की जरूरत होता है। बिग बॉस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक रूम पे काम नहीं हो सकता है, इनके लिए अलग सा डिवीजन और अलग अलग कंट्रोल रूम रहता है जहाँ से पूरे बिग बॉस को कंट्रोल किया जाता है और शो के लिए बिग बॉस का वीडियो तैयार किया जाता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो रूम है वो है लाइव फीड रूम, वहाँ से पूरा दिन का रिकॉर्डिंग निकाला जाता है और ये करने के लिए 10 लोग वहाँ पर हमेशा रोटेटिंग वाइज ऑब्जर्व करते हैं। वो लोग कैमरा कंट्रोल करते हैं और रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजते हैं टीम को कि उस वक्त कोई मैसेज भेजना है या नहीं, और कोई भी पॉइंट पर वहाँ दो टीम लीडर होता है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बिग बॉस का कौन सा सीन पे क्या किया जाए और किसको कनेक्ट किया जाए, और ये रूम ही बिग बॉस का हार्ट है। इसके बाद आता है वॉइस कमेंट रूम, यहाँ से बिग बॉस यानी अतुल कपूर का वॉइस लाइव फीड होता है। यहाँ पर एक छोटा साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, यहाँ पर विजय विक्रम का वॉइस भी रिकॉर्डिंग होता है जो बिग बॉस का सूत्रधार है। रात 10 बजे बिग बॉस ने विजय विक्रम सिंह को कन्फेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित एक चिट्ठी दी। इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग रूम, स्क्रिप्टिंग रूम में सब स्क्रिप्टर बैठे हुए रहता है और इनको लाइव फीड रूम से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर डायरेक्ट विजुअल डिस्प्ले रहता है जिससे स्क्रिप्ट करने में आसानी होता है। यहाँ से ही अतुल कपूर का स्क्रिप्टिंग निकलता है, साथ में निकलता है सलमान खान का स्क्रिप्टिंग और बाकी जितना भी स्क्रिप्टिंग लगता है वो ये लोग ही निकलता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजी रूम, यहाँ बिग बॉस टास्क का स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, यहाँ शो को रोचक बनाने का तरीका भी डिस्कस किया जाता है। वीडियो और साउंड एडिटिंग रूम, यहाँ पर लाइव फीड रूम से जो वीडियो निकल के आता है उसका वीडियो एडिटिंग होता है, वॉइस मिक्सिंग होता है और शो के लिए आउटपुट रेडी किया जाता है जो हम कलर्स में फाइनली देखते हैं। इसके बाद आता है डिस्कशन रूम, बिग बॉस शो से जुड़े किसी को अगर कुछ आइडिया है तो यहाँ पर वो लोग दे सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का इशू या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाता है और ये सभी रूम एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा भी वहाँ पर बिग बॉस आउट हाउस रहता है जहाँ पर रहने सोने खाने का बंदोबस्त रहता है। तो दोस्तों आपको क्या यह सब पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों आपको पता था या नहीं, और इनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगा, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपका कमेंट का। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना दवाई और कपड़े देते हैं, यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।